जय श्री राम, वंदे मातरम। भारत मित्रों, भारतीय मित्रों, सभी को हृदय से आशीर्वाद। कल पूरे देश को, पूरी दुनिया को हिला देने वाली घटना घटी, जहां न्यूजीलैंड में क्राइस्ट चर्च में, और हमने उसके बड़े मजे लिए, बड़े आनंद लिए। लेकिन हम दूसरों के द्वारा किया गया यह कृत्य देख करके हर्षित होने के बजाय हम यह सोचे कि कल हमारे ऊपर भी इस प्रकार की घटना जो घट रही है हिंदुस्तान में, उसका जवाब हम किस प्रकार से दें और हमने किस प्रकार उसका प्रतिकार करना चाहिए। पूरा संसार दुखी है इस इस्लाम से, पूरा संसार दुखी है इन मूल्यों से, क्योंकि यहां ना संस्कृति है ना किसी प्रकार की सभ्यता है। केवल हम भारतवासी नहीं जानते, क्योंकि किंतु इस्लामिक राष्ट्र तक यह जानते हैं। यहां इस्लाम की पूरी असलियत और सच्चाई पूरा विश्व आप जानने लगा है। इसीलिए एक व्यक्ति बगावत करता है और उस बगावत का परिणाम 50 लोगों को अपनी जान से हाथ धोने के लिए निमित्त बन जाता है। प्रसन्नता इस बात की नहीं कि मरे गए वो मूल्य थे, प्रसन्नता इस बात की नहीं कि किसी क्रिश्चियन के द्वारा वे लोग मारे गए, लेकिन प्रसन्नता इस बात की हमें है कि इस्लाम की सच्चाई हर व्यक्ति तक पहुंच रही है। अब अगर मैं इस बात को आप तक पहुंचा रहा हूं, तो स्वाभाविक है कि जो इस्लाम के पुरोधा है, जो इस्लाम को मानने वाले, जो सेक्युलर कीड़े मेरे हिंदुस्तान में पनप रहे हैं, जो हमारे हिंदुस्तान को खोखला कर रहे हैं, जिन्हें हिंदुस्तान की सभ्यता से कोई लेना देना नहीं है, दूर दूर तक जो केवल राजनैतिक चर्चा चाहते, जो केवल राजनीतिक सत्ता हासिल करने के लिए मेरे देश को, मेरे भारतीय अस्मिता को कलंकित करना चाहते, वे लोग मेरे इन शब्दों से निश्चित रूप से दुखी होंगे, परेशान होंगे, पीड़ित होंगे। मैं तो कहता हूं आत्महत्या कर ले मेरे शब्दों से, क्योंकि मैं सुधरने वाला नहीं और मैं सुधरना नहीं चाहता। जब जब भी आतंक फैलता है, जब जब भी अत्याचार फैलता है, जब जब भी अनैतिकता पनपती है, अनैतिकता जन्म लेती, जब रावण पैदा होता है तब राम का जन्म होता है, जब कंस पैदा होता है तो कृष्ण का जन्म होता है, और जब औरंगजेब पैदा होता है तो छत्रपति शिवाजी जन्म लेते, अकबर जब पैदा होता है तो महाराणा जन्म लेता है, और जब कांग्रेस पैदा होकर के अनैतिक व्यवहार करती है, जब हिंदुस्तान में अनैतिकता पनपती है तो मोदी जन्म लेता है, योगी जन्म लेता है, हर हिंदू योद्धा जन्म लेता है। अगर आपके अंदर परशुराम की छवि है, छत्रपति शिवाजी की छवि है, माननीय प्रधानमंत्री मोदी की छवि है, सीएम योगी आदित्यनाथ की छवि है, तो आपको इतनी प्रसन्नता का आपके लिए कोई विषय नहीं है कि न्यूजीलैंड के उस क्राइस्ट चर्च में 50 मुल्लों को एक ईसाई ने मार दिया। अगर एक ईसाई अपने सर पर कफन बांध करके मस्जिद में घुसकर और पूरे पब्लिक में सरेआम लोगों की हत्या करता है, तो उसके पीछे कौन सा कारण रहा होगा, यह हम भली भांति जानते हैं। कल से बहुत सारी पोस्ट आ रही है उसकी सच्चाई की पड़ताल जब हुई, और हम जानते हैं इसलिए वो चर्चा, किस कारण उस व्यक्ति ने अपने हाथ में शस्त्र उठाया, यह आप जानते हैं। और जब आप जानते ही हो तो मैं उसे आप तक दोहराने का प्रयास न करूंगा, बस इतना समझिए हिंदुस्तान है, लेकिन नाम के हिंदू है हम, जाति में जन्म लिया, धर्म में जन्म लिया, हिंदुस्तान हिंदू धर्म में, इसीलिए हम हिंदू हो गए। लेकिन हिंदुस्तान का हिंदू आज गुलामी का जिंदगी जी रहा है, और यह जो बाहर से आए आक्रांता है, यह जो बाहर से आए हुए दुश्मन है, शत्रु है, हमारे हमारे देश को खोखला कर रहे हैं, और उनसे भयाक्रांत, उनसे डरे हुए ये कुछ सेक्युलर कीड़े जो हमारे को खोखला कर रहे, हमें कलंकित कर रहे, हमें दूषित करने का प्रयास कर रहे हैं। एक सन्यासी जब आपको शस्त्र की बात और शस्त्र का ज्ञान देने की बात करता है, तो उसके रहस्य को, उसके शब्दों को समझना होगा। अगर आप मुझ पर कटाक्ष करते हो तो कटाक्ष करना होगा आपको भगवान श्री राम पर, कटाक्ष करना होगा आपको भगवान परशुराम पर, कटाक्ष करना होगा आपको भगवान नारायण उस श्री कृष्ण के ऊपर, जिन्होंने सुदर्शन चक्र से कई लोगों को यम घाट पहुंचा दिया। भगवान थे वे, शस्त्र उठाया उन्होंने, अनैतिकता का लोप करने के लिए, अनैतिकता का संहार करने के लिए उन्होंने शस्त्र उठाए थे, आपकी रक्षा करने के लिए उन्होंने शस्त्र उठाए थे। मैं भले ही शस्त्र नहीं उठा रहा हूं, उठाता भी हूं, वो आपको दिखा करके नहीं करता। पब्लिक मैंने कभी कोई चर्चा नहीं की, लेकिन कल मजबूरी थी मेरी, कल मुझे कुछ लोगों का पीतल बाहर निकालना था, इसलिए कल मैंने एक लाइव वीडियो बनाया था, मजबूरी थी, क्योंकि वह मेरा जिस प्रकार मैं अभी आपके साथ वार्तालाप कर रहा हूं, कई मित्रों के दिल में दिमाग में एक भ्रम था, गुरुदेव आज आपने लाइव में गाली दी, तो मैं उनका भ्रम आज तोड़ना चाहता हूं। हर व्यक्ति को जवाब देने से बेहतर मैं इस लाइव के जरिए मैं आप सभी को बात करना चाहूंगा। अगर मैं इस समय आपको गाली देता हूं या किसी व्यक्ति को गाली देता हूं, तो वह मेरा अधिकार नहीं है, और यह
मुझे शोभा नहीं देता, क्योंकि मैं आपके बीच आप इस समय लाइव बात कर रहा हूं, आपको कुछ ज्ञान की बात समझा रहा हूं, कुछ देश हित की बात, कुछ देश हित की चर्चा मैं आपके साथ कर रहा हूं। तो मुझे नैतिकता यही सिखाती कि मैं आपको उस प्रकार की चर्चा न करूं जो चर्चा मैं मेरे परिवार में नहीं कर सकता, मेरे माता बहनों के साथ नहीं कर सकता। लेकिन जो चर्चा कल हुई थी वह चर्चा नहीं थी, वह एक द्वंद था, वह एक युद्ध था, वह एक रण संग्राम था, और उन्हें उन सुअरों को मुझे उनकी औकात दिखानी थी, इसीलिए मुझे मजबूरन मेरे शब्दों का दुरुपयोग करना पड़ा। और उसके बाद मैंने मेरे माता बहनों से क्षमा भी मांगी थी, क्योंकि मैं अपनी छवि को कभी धूमिल नहीं होने देता, क्योंकि मुझे पता है कि नैतिक कार्य क्या, अनैतिक कार्य क्या है। लेकिन ये याद रखिएगा, मुझे ज्ञान देने वाले मेरे सारे शिष्य जो मेरे अपने हैं, और जो अपने नहीं होकर अपनों का ढोंग करते, उन लोगों को कहना चाहूंगा, सूर्य सागर को पहचानने के लिए पहले आपको अपनी ये आंखें बंद करके हृदय की आंखें खोलनी होगी, तभी आप मुझे और मेरे शब्दों को समझ पाओगे। अन्यथा तो आप बागड़ बिल्लों की औलादे ही हो, जयचंदों की औलादे हो, ना समझ हो, बेवकूफ हो, नादान हो, मूर्ख। और मूर्खों के साथ ज्यादा चर्चा करने से बेहतर उन्हें ब्लॉक करना ही सरल और सत्य उपाय होता है। आपके लिए लड़ने वाला व्यक्ति मैं, आपके लिए लड़ने वाले कई हमारे हिंदू योद्धा पागल नहीं है, मूर्ख नहीं है, नादान नहीं है, उनका भी अपना परिवार है, उनके लिए भी अपना समय है, जिस समय का उपयोग वो अपने जीवन के सुखों को लिए करना चाहेंगे। लेकिन भली भांति वे जानते हैं कि मैं रिस्क ले रहा हूं इस हिंदुस्तान के लिए, तो निश्चित समझिए कि आपको उनका योगदान करना होगा। क्राइस्ट चर्च में एक व्यक्ति ने 50 लोगों को जहन्नुम पहुंचा दिया, वो जानता है कि उसके बाद उसके साथ उस देश का कानून क्या करेगा, लेकिन उसको उस चिंता, उस परिणामों की चिंता नहीं थी। मुझे भी अपनी किसी भी परिणामों की चिंता नहीं है, क्योंकि मुझे चिंता है आपकी, मुझे चिंता हिंदुस्तान की, मुझे चिंता है आने वाले उस भविष्य की, जिस भविष्य को अंधेरे में मैं देख रहा हूं। लेकिन मुझे विश्वास है कि मेरा देश अंधेरे में नहीं जाएगा। सदियों सदियों से प्रताड़ित किया गया मेरे भारतवर्ष को, सदियों सदियों से कलंकित करने का प्रयास किया गया मेरे भारतवर्ष को, सदियों सदियों से मेरे भारत को गुलामी के बेड़ियों में जकड़ने का प्रयास किया गया, लेकिन मेरा भारत ऋषि मुनियों का देश है, आदिनाथ भगवान का देश है, यह रुद्र का देश है, यह भगवान श्री राम का देश है। आप भगवान श्री राम को अगर मानते हो तो सूर्य सागर पर कटाक्ष करने का आपको कदापि अधिकार नहीं है। कल बड़े खुश हो गए, 50 जहन्नमी, कुछ ईरान में मारे गए, कुछ इराक में मारे गए, कुछ अफगानिस्तान में मारे गए, हम लोग बड़ी प्रसन्नता से जश्न मना रहे। अरे बेवकूफों, जश्न मनाने के लिए पर्याप्त समय अब आपके पास शेष नहीं है। ये रक्त बीज रक्त राक्षस है, जैसे जैसे मरेंगे और पैदा होंगे। इसलिए मैं भारत सरकार से अपील करूंगा, लेकिन आज नहीं, क्योंकि हमारी अपील तभी सुनी जाएगी जब हमारा अपना उस तख्त पर बैठा होगा, जब हमारा अपना वहां पर बैठा होगा जो हमारा हितैषी है, जो हमारे हिंदू हित की बात समझ सकता है, हम उसी के पीछे बात कर सकते हैं। क्या सोनिया गांधी आपकी आवाज सुनेगी? क्या पप्पू आपकी बात सुनेगा? क्या कमलनाथ आज मुख्यमंत्री है तुम्हारे मध्य प्रदेश में, क्या वो आपकी बात सुनेगा? राम मंदिर की रट लगाने वाले कायरो हिजड़ो बागड़ बल्लो, इतना याद रखो, अगर हिंदुस्तान की सभ्यता को समझने वाला वो सुसंस्कृत व्यक्ति जो हमारा माननीय नरेंद्र मोदी है, अगर वो उस तख्त पर बैठा है, तभी आप आशा लगा सकते हैं। और वही ये कार्य पूरा कर सकता है जिसने प्रधानमंत्री होते हुए पूरे देश को, पूरी दुनिया को अपने चरणों में ला करके झुका दिया। याद रखना, जिसने अरब कंट्रियों में राम मंदिर का निर्माण करा दिया, क्या वो ये राम मंदिर नहीं बना सकता? लेकिन भारतीय कानून, भारतीय संविधान इतना लचर है, इसके सामने हमें झुकना पड़ता है। और आने वाले 2 महीने के पश्चात जब माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब सौगंध लेंगे पंतप्रधान पद की, उसके बाद हम उनके साथ शिकायत करेंगे। आज यह सूर्य सागर उनसे बहुत प्रेम करता है, प्रेम करता था, रहेगा, लेकिन यही सूर्य सागर कल उन्हें सवाल अवश्य करेगा जब हम उन्हें तख्त पर बिठाएंगे, क्योंकि वो हमारे अपने हैं। पप्पू बैठ गया तो तुम कुछ मांग सकते हो क्या? नहीं मांग सकते हो। समझो, सुधरो। ये जितने भी बागड़ बिल्ले हैं ना, जो नोटा 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 चिल्ला करके अपना ही पतन कराना चाहते, ना जाने कितना टेबल के नीचे से 50,000 मिल गया, क्योंकि औकात 50,000 के ऊपर नोटाधारियों की नहीं है। सूर्य सागर नहीं है जिसे करोड़ों में खरीदने की बात हो, कोई बैल नहीं हूं मैं जो खरीदा जा सके, जो दूल्हे के उस विवाह के मंडप में बैठे हुए उस दूल्हे के जैसा नहीं है कि जो
वधु का पिता मजबूरीवश लाचार होकर अपना सर्वस्व बेचकर उसके उस बैल को खरीदता है, वो बैल हम नहीं है, हम राष्ट्र सेवक है, माँ भारती के गुलाम है, और माँ भारती के गुलाम बनना हमें पसंद है और गर्व का विषय है वो मेरे लिए, वही मेरा कोहिनूर है और वही मेरे सर पर वही ताज है जो देशभक्ति का है, और आपके अंदर भी मैं वही देखना चाहूंगा। बहुत सारे लोगों के हृदय में बड़ी मिर्ची लगती है, आगे से लेकर पीछे तक धुआं ही धुआं निकलता है जब मैं कुछ बोलता हूं, स्वाभाविक है। जब मुझे गालियां मिलती है तो मैं दुखी नहीं होता हूं, मेरे कुछ शिष्य मैं उनको वहां पर मेंशन कर देता हूं, और मैंने आपको कई बार कहा है, सैकड़ों बार कहा है, बार बार कहा है और अभी भी कह रहा हूं, आप सूर्य सागर की पोष पर ध्यान रखा करिए, यहां पर बागड़ बिल्ले आते हैं, मजा लीजिए जिंदगी का, उन्हें उनकी औकात दिखाई, बाद में उनको ब्लॉक कर दिया करूंगा। माता बहनों क्षमा करना, कल के दिन मैंने लाइव आकर के जो मैंने गलत शब्दों का प्रयोग किया था, हृदय से मैं आपसे क्षमा मांगता हूं, क्योंकि यह मेरा कार्य नहीं था, लेकिन मुझे यह हर्ष है, मुझे यह खुशी है कि जितने भाइयों ने मेरा समर्थन किया होगा उससे ज्यादा मेरी बहनों ने, मेरी बेटियों ने, मेरी माताओं ने मेरा समर्थन किया कि गुरु जी आप सही हो। जब भगवान नारायण श्री कृष्ण को शिशुपाल 100 गाली देता है लेकिन भगवान सुनते हैं, और 100 गाली खाने के पश्चात अपने सुदर्शन से उसका मस्तक काट सकते हैं, तो उसी प्रकार मैं भी अपनी क्रियाएं करता हूं, क्षमा करता हूं, क्षमा करता हूं। जब अति होता है, अति सर्वत्र वर्जित, तभी मैं अपनी बातों को आकार देता हूं। समझना चाहो तो समझिए, और ना समझना चाहे तो आपकी मर्जी, मैं तो अपनी रक्षा और अपनी हिफाजत करना जानता हूं। क्या आप अपनी रक्षा करना जानते हो? मेरा एक हिंदू योद्धा, नाम भूल गया मैं, जो अब जेल में पैदा जेल में है बेचारा, और किसी कश्मीरी को मारा उसने, उसके ऊपर धाराएं लगाई, फलाना ढिकना छूट तो जाएगा वो, यह तो निश्चित ही है, क्योंकि जो कानून हाथ में लेता है उसको दंड मिलना चाहिए, चाहे वो कहीं भी क्यों ना हो, मैं भी क्यों ना हूं। मैंने यही कहा था कि कश्मीरी को मारो, लेकिन कश्मीरी हिंदू नहीं होना चाहिए, हिंदू पंडित नहीं होना चाहिए, और मारते हो ठोकते हो तो वीडियो मत बनाओ, ये कौन सा तरीका है तुम्हारा? और अगर वीडियो बनाते हो, अगर कुछ करते हो, तो हिम्मत रखो छाती पे। और कई हमारे हिंदू योद्धाओं को मैं पुनः एक वार्निंग देना चाहूंगा, आपके कटाक्ष पर सूर्य सागर को कदापि मत रखना, सबको शत्रु बना लीजिए आप, सूर्य सागर को मत बनाना, क्योंकि मैं एक साधक भी हूं, ये याद रखना, सच्चा हिंदू हूं, हिंदुस्तानी हूं, आप भी हो, इसमें कोई राय नहीं, आप और मेरे में कोई अंतर नहीं, लेकिन साधक मैं हूं, मैं इतना ही कहना चाहूंगा आपको। सिर्फ फेसबुक में आकर के चिल्लाओ मत कि हम उसके साथ है, फलाना ढिकना, आप तो सभी मेरे साथ रहते हो, कहते हो मुझे गुरुजी हम आपके साथ हैं, आप लड़ो, लेकिन जब प्रसंग आते हैं तो गुरुजी अकेला ही रहता है, किसी को आवाज नहीं देता। मेरे अड़ोस पड़ोस में भी वही योद्धा है, किसी को आवाज नहीं दिया मैंने, मेरे हलोल के पास, वडोदरा के पास कई है, लेकिन दुर्भाग्य ये है कि कुछ लोगों के ही कॉल मेरे पास आए जब मैंने कल इस कार्य को अंजाम दिया। दुख है, हिंदू योद्धा होना, मेरे हितैषी होना, मैं आपकी औकात भलीभांति जानता हूं, इसीलिए किसी को आवाज नहीं देता। अगर आपको लगता है कि गुरुजी सचमुच संकट में है तो आइए मेरे पास, रक्षा करो, आपका यह नैतिक कर्तव्य है। भगवान वशिष्ठ ने, गुरु वशिष्ठ ने नहीं कहा कि राम मेरी रक्षा करो, राम ने उनकी रक्षा की और वशिष्ठ ने भगवान श्री राम की मर्यादा की रक्षा की। साथियों बस इतना ही कहूं, बहुत सारे लोग विचलित हो जाते हैं मेरे शब्दों से, तो अचानक लाइव आया हूं, कितने लोग देख रहे, महत्वपूर्ण नहीं है, 2, 4, 5, 10, 50, क्योंकि जो लोग जिंदा है, जिनके मन में राष्ट्रीयता है, वही लोग मेरे अकाउंट को सी फर्स्ट करेंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि गुरुजी धर्म की बात कम करेगा लेकिन देश हित की बात करेगा, सी फर्स्ट वही करेगा, क्योंकि जैसे ही मैं पोस्ट डालता हूं आपके पास पहुंचेंगी। और जिन जिन लोगों के तत्काल कमेंट आती है, लाइक आता है, मैं समझ लेता हूं कि यही मेरे धर्मात्मा हितैषी है जो मुझे सुनना पसंद करते हैं। अब मैं इस अकाउंट से भी कई लोगों को अंडमान निकोबार की खाड़ी में भेजने वाला हूं, अर्थात इनको हटाऊंगा, क्योंकि जो काम के नहीं है उन्हें हटाना चाहूंगा। मैं फॉलोवर्स तो नहीं घटा सकता, लेकिन फ्रेंड लिस्ट के बहुत सारे लोगों को मैं हटा दूंगा, क्योंकि मुझे हिंदुस्तान के प्रेमी चाहिए, हिंदुत्व के प्रेमी चाहिए, धर्म प्रेमी नहीं चाहिए, धर्म का ढोंग करने वाले मुझे नहीं चाहिए। और उन सभी हिंदुओं को, सभी कायर जैनियों को कहना चाहूंगा, सूर्य सागर का हाथ अगर आपको थामना है तो अहिंसा परमो धर्म के साथ उस शब्द को, उस ब्रीद को पूर्ण करने वाला श्लोक ही अगर आपको याद होगा तो ही मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा।
अन्यथा मैं इजड़ और नपुंसकों का साथ नहीं दे सकता, मेरे साथ जो होगा ईश्वर की मर्जी होगी। अहिंसा परमो धर्म, धर्म हिंसा तथा वचन। कई लोग डरे हुए हैं कि गुरुजी मुसलमानों के खिलाफ सीधा बोलते हैं। अरे बेवकूफ हो, मैं हिंदुओं के खिलाफ भी बोलता हूँ। तुम जैनियों को तो कहीं का छोड़ा नहीं है मैंने। तुम 13 पंथ 20 पंथ के चक्रव्यूह में फंसे हुए पागल कीड़े हो, धर्म का ढोंग करते हो, आमलेट की गाड़ी पर अंडा खाते हो, माँ बहनों की गाली देते हो, मंदिरों की रक्षा के लिए और उस समय में विधि विधान अनुष्ठानों में बाउंसर रखते हो, जो मांस मटन खाते हो उन्हें 5,000-5,000 रुपए डेली का देते हो, कि पागल है हमने, हमको जानकारियां नहीं मिलती। तुम कैसे सन्यासी, तुम कैसे धर्मात्मा, तुम गालियां देते हो मुझे। अगर तुम एक सन्यासी को गाली देते हो तो तुम्हारा जैनत्व दूषित है, कलंकित है, तुम्हारा साधु भोगी है, पाखंडी है, नालायक है, मूर्ख है, क्योंकि उसने आपको यही सिखाया। अगर मैं आपको नैतिक व्यवहार न कर अनैतिक व्यवहार करता हूं तो आपका दायित्व बनता है मुझ तक पहुंचे। समझाए मुझे मैं क्या गलती कर रहा हूं, मैं भी आपको समझाना चाहता हूं। यह मूल्य, यह साले हराम के, साले हराम के, बागड़ बिल्ले, कुत्ते, सुअर, ये गाली नहीं है, ये याद रखिएगा। जो मैंने कल दी थी गाली वो है। अगर मैंने कभी लाइव इस तरह से आकर के गाली दी होगी तो आपका मैं दोषी हूं। इस प्रकार की मूर्खता मैं नहीं करता। आगे भी इस प्रकार की गाली आप मेरे मुंह से सुनोगे, लेकिन दोषी मैं ना रहूंगा, क्योंकि जब इस प्रकार की घटना होगी मैं आप तक रूबरू कराऊंगा। साथियों बस इतना ही कहूं, कल क्राइस्ट चर्च में जो हादसा हुआ, वीडियो अपलोड किया गया, कुछ लोगों ने कहा पबजी गेम है। मैं तो जानता नहीं पबजी क्या है, लेकिन कल मैंने जैसे ही एक ग्रुप में चर्चा की तो वहां पर विवाद होने लगा, पबजी पबजी पबजी। मेरे एक शिष्य ऑस्ट्रेलिया में जो पत्रकार है, उन्होंने मुझे बात किया और उन्होंने कहा गुरुजी ये सत्य वीडियो है, और उस व्यक्ति ने ये वीडियो उतारा था। भाई टेक्नोलॉजी का इतना जमाना है, हम तो ये वीवो ओप्पो इसी में लगे हैं, और वो जमाना, वो देश आगे बढ़ गया क्योंकि उनकी सांघिकता है, और उसी सांघिकता के बल पर वे वो कार्य कर जाते जो हम स्वप्न में भी नहीं सोचते। हम हिंदू आपस में लड़ते हैं, अगर हिंदू वाकई में हिंदू होता, अगर भगवान श्री राम का वाकई में वो पुजारी होता, भगवान कृष्ण का सही में अनुयायी होता, और भगवान महावीर के सिद्धांतों पर चलने वाला अगर कोई व्यक्ति होता, तो ये जितने दलदल दलदल बने हुए ना, गठबंधन ठगबंधन, ये होते ही नहीं। कांग्रेस का पत्ता साफ हो चुका होता, और इसी कांग्रेस ने गरीबी को हटाओ, गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ नारा नारा देते देते गरीबी को तो नहीं हटाया, गरीब को हटा दिया। आज लोग समझदार है, समझते हैं, समझ रहे हैं और समझ चुके हैं, इसीलिए इन राजनेताओं की कुर्सियां डगमगाने लगी है। कल जैसे ही माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मंत्रिमंडल द्वारा एक प्रस्ताव पारित किया गया कि उत्तर प्रदेश में 20 से 25 जो वर्तमान सांसद है उनके टिकट कटेंगे, तो हड़कंप मच गया इन सांसदों में। कहने लगे हम बगावत कर देंगे, कुछ लोगों के फोन आए मेरे पास, बगावत कर देंगे, गुरुजी कुछ रास्ता बताओ। ये गुरुजी तुम्हें क्या रास्ता, जिसको सत्ता का मोह है वो गुरुजी के साथ बात ना करे, गाली दूंगा मैं। सामने आ गए तो याद रखो, सत्ता के लालची न बनो, नरेंद्र मोदी बनो, उत्तर प्रदेश का योगी आदित्यनाथ बनो। सच्चे योद्धा मेरे नजरों में वो दो ही है, बाकी और भी हो सकते पार्टियों में, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि मैं उनके बारे में जानता नहीं और मुझे जानने में कोई दिलचस्पी है नहीं। जिसको दिलचस्पी मुझ में है मैं उसी की बात करना चाहूंगा। चुनाव नजदीक है, मैं सिर्फ माननीय प्रधानमंत्री जी से एक ही अपील करूंगा, मुझसे ज्यादा आप में बुद्धि है, हम जहां सोचना बंद कर देते सोचना आप वहां से प्रारंभ करते हो। बस यही कहूं, राजकीय सत्ता का लोभ आपको नहीं है, लेकिन राजकीय सत्ता का लोभ जिनको नहीं है इस चुनाव में उन्हीं को टिकट आपको देना होगा। जीतेंगे आप, और कभी कभी जो हार करके भी जीतता है कहते हैं ना, उसे बाजीगर कहते हैं, हकला मत समझ लेना। ये हकला पहले मरेगा, इनका मरना निहायत जरूरी है, मेरे हिंदुस्तान को खोखला कर रहे, खाते यहां का है, पीते यहां है, सब क्रिया यहां करते हैं, और गाते हैं गुणगान उस देशों का जो देश मेरे भारतीय सैनिकों का कत्ल करते हैं, छुपे हमले करके, कायराना हरकत करके मेरे देश के सिपाहियों को मारते हैं। अभी सर्जिकल स्ट्राइक 3 का नजारा आपको जल्दी ही देखने मिलेगा। मेरे व्यक्तिगत नीति के अनुसार मैं ये बात कर रहा हूं, किसी की बात सुनी नहीं है मैंने। बस यही कहूं कि कल क्राइस्ट चर्च में जो घटना घटी, कल यह घटना हिंदुस्तान के हर कोने में ना हो सकता है। मौत का किसी को भय नहीं,
लेकिन सुअरों को मारने के लिए दो तरीके से मारा जाता है, या तो गोली या तो बेपटक के मार दिया जाता है। अब हिंदुस्तान के हिंदू योद्धा अब डिसीजन ले, निर्णय ले कि मेरे हिंदुस्तान की सभ्यता की सुरक्षा आपको किस प्रकार से करनी है। ये देश का कानून लंगड़ा है, लूला है, ये संविधान लूला है, लंगड़ा है। एक रावण नाम का रावण पागल वाराणसी से कहता है मैं चुनाव लड़ूंगा, नरेंद्र मोदी को परास्त करूंगा। अरे शेख चिल्ली, सपने देखना बुरी बात नहीं है, लेकिन सपने अपनी औकात के अनुसार ही देखना चाहिए। जिस प्रकार की जाति में तू जन्म लिया है ना, मैं तो सबको अपना ही समझता हूं। अब जाति मतलब मैं ना दलित, ब्राह्मण, जैन नहीं बोलूंगा। जिस गटर में तू पैदा हुआ है ना, उसी गटर की भाषा तेरे मुंह पर आ ही गई। तू मोदी को हराएगा? औकात है? अगर सोनिया गांधी, अगर राहुल पप्पू जिस विस्तार से खड़ा हो, उस विस्तार से ये सूर्य सागर बगैर कुछ जाने जीत करके आएगा। बीजेपी की टिकट की जरूरत नहीं। बस कहना चाहता हूं, बस आपके अंदर हिंदुत्व की ललक हो, हिंदुत्व की झलक हो, ईश्वर आपकी सहायता करेगा। बहुत बकबक कर लिया मैंने, आपको सुनने की आदत, मुझे बकबक करने की आदत, बस दिमाग के ऊपर से जाती है कुछ बातें आपकी, कुछ दिमाग में घुसती है। जो दिमाग में घुसती है वही मेरा परिश्रम का मोल है, और जो दिमाग में घुसती ही नहीं है व्यर्थ वो बकबक ही होती है। ध्यान रखिए, एक हिंदू दूसरे हिंदू को टारगेट ना करे। लेकिन मैंने देखा है कई नाजायज हिंदुओं की औलादे मेरे अकाउंट पर आकर के ही अपने शब्दों का प्रयोग करते। कल मुझे समझाने के लिए चार पांच यीड़ों की औलादे आ ही गई, कहने लगे अरे आप साधुओं गाली देते हो, तू मूर्ख मुझे समझाएगा? इतना ज्ञानी प्रकांड पंडित विद्वान हो गया जो मुझे समझाएगा एक सन्यासी को? तो फिर अगर तू मुझे समझाता है तो भगवान श्री राम को कहना कि ब्राह्मण था वो, भगवान श्री राम को कहना ब्राह्मण था वो रावण, क्यों उसका संहार किया? भगवान नारायण श्री कृष्ण को कहना कि क्यों अपने सुदर्शन चक्र के नीचे 18 औक्षणी सैन्य को मार दिया? जाकर के पूछना। हम ब्रह्म हत्या नहीं करते, ब्रह्म हत्या सबसे बड़ा पाप, अर्थात ब्राह्मण की हत्या सबसे बड़ा पाप होता है, हिंदू धर्म शास्त्र कहता है। लेकिन वह भी तीन गुनाहों की माफी के पश्चात भी अगर वो आप पर आक्रमण करता है तो उसे उसी जगह मार देना चाहिए, फिर ब्रह्म हत्या का पाप नहीं लगता। छत्रपति शिवाजी का चरित्र उठा करके देखिए, छत्रपति शिवाजी ने भी ब्राह्मण को मारा था, वो ब्राह्मण जो अफजल खान का वकील था, नाम भूल गया हूं मैं उसका, अफजल खान का वकील था, खाता था इधर का और बजाता था मुसलमानों का। स्वाभाविक है ऐसे लोगों को मारना अत्यंत आवश्यक था। साथियों, किसी प्रकार का कोई टॉपिक मेरे पास नहीं था, बस इतना ही मैं आपको कहना चाहता था कि अपनी ताकत को समझो, हिंदुत्व की पहचान समझो। भगवान श्री राम हिंदू थे, भगवान कृष्ण हिंदू थे, मुसलमान थे क्या, ईसाई थे क्या, हिंदू थे ना, आप कौन हो? अगर आप भगवान श्री राम को मानते हो, जय जय श्री राम का नारा लगाते हो, फेसबुक पर बड़ी बड़ी बातें करके श्री राम के नाम का उल्लेख करते हो, तो पहले मैं हिंदू हूँ इसका गौरव आपको होना चाहिए, मैं हिंदुस्तानी हूँ इसका गौरव आपको होना चाहिए, और मुंह तोड़ जवाब देने की ताकत आपके अंदर होनी चाहिए। मेरे में है लेकिन मैं सामने नहीं बोल पाता, लिख नहीं सकता, क्योंकि उतनी उंगलियां मेरे काम नहीं करती, मैं नहीं करता। सभी साथियों को बस समझना जरूरी है हिंदुस्तान की इस दशा को। आने वाला चुनाव रक्त रंजित क्रांति भी पैदा कर सकता है, समझना होगा, सावधान रहना होगा आप सभी को। आप अगर एकजुट न हो पाएंगे और एकजुट न हो, और यह सुवरों के वंशज अगर आपके ऊपर हावी हो गए, तो आपका श्वास लेना भी निरर्थक हो जाएगा, मजबूर होगा। सोहन सिरवी जी, बेहतरीन बोला है आपने, ये आतंकवादी ही होते, पैदा ही आतंकवादी होते हैं। इसीलिए मैं कहना चाहूंगा, माननीय नरेंद्र मोदी से हमें बहुत बड़ी बड़ी अपेक्षा है, जो आज विरोध करते हैं उनका, उन सभी को इतना ही कहना चाहूंगा, आने दो महीने, और दो महीने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब शपथ लेंगे, हम उनको बार बार टारगेट करेंगे शब्दों से, कहेंगे अब जाग जाओ, अब हिंदुत्व के लिए काम करना होगा, बहुत हो गया बाहर के लोगों को मजबूत करना, अब हिंदुस्तान के उन लोगों को मजबूत करो, हमें यही कहना होगा। हम अपने मंदिर पर एक स्पीकर लगा देते हैं, तो ये हरामी जो होते हैं ना, PWD वाले, ये प्रशासनिक वाले, कहते हैं कि प्रदूषण होता है। उन कमीनों को एक बात कहना चाहूंगा,
पांच बार बार अजान देने वाले मुसलमानों के ईश्वर, जो आंखों से कभी इन्होंने देखा नहीं, आकार क्या है वो पता नहीं, उनका अस्तित्व उनका वजूद उनको तक पता नहीं है, और पूरे देश में किस संविधान के अनुसार यह लाउडस्पीकर लगाने का अधिकार दिया गया है, तो हिंदुस्तान का नाम बदल करके मुल्लास्तान रख दे, हम उसमें राजी है। रख दीजिए मुसलमानस्तान, हम तैयार हैं, क्योंकि तुम यहां हमारे मंदिरों पर लगाने नहीं देते ना, हम तो मजबूरन लगाते, हम किसी के परमिशन की आवश्यकता नहीं। विद्रोह तब पनपता है जब हमारे अधिकारों को आप छीनते हैं। हिंदुस्तानी है हम, हमारा नैतिक अधिकार है यहां। हम अगर कोई धार्मिक प्रोग्राम करते हैं, हम अगर कोई रैली निकालते हैं, तो आपकी इजाजत लेने की हमें किस आधार से जरूरत है? एक महीना डेढ़ महीना पहले मैंने सुना था कि मुसलमानों ने 1 करोड़ 1.5 करोड़ मुसलमान एक जगह पर एकत्रित हुए, प्रशासन से परमिशन ली थी क्या? उत्तर प्रदेश प्रशासन से परमिशन ली थी क्या? नहीं ली थी, फिर भी उन्होंने वो कार्य किया। तो अगर तुम बाहर से आए हुए लोगों के पास में परमिशन की जरूरत नहीं होती, तो हम तुम्हें किस आधार से परमिशन मांगेंगे? प्रशासन से जुड़े हुए जितने मेरे निकटवर्ती है, मैं उन्हें एक ही बात कान खोल करके सुनाना चाहता हूं, नंगे से खुदा डरे और तुम्हें भी डरना होगा। ज्यादा से ज्यादा क्या करोगे? मुझे जेल में डालोगे ना? मैंने सुना है कि कल मैंने गाली गलौज किया था, मारा था, कुछ उठाया था, तो मुझ पर FIR करेंगे, बागड़ बिल्लो। FIR ऐसी ही होती है क्या? और कर दिया तो मैं क्रॉस FIR तुम्हारे खिलाफ नहीं कर सकता क्या? मैं राजकारण नहीं जानता, मैं राजनीति नहीं जानता, मैं वकालत नहीं जानता, मैंने पढ़ी नहीं है क्या ये राजनीति? क्यों अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारना चाहते हो? मस्जिद के सामने गड्ढा खोदने में तुम्हारी माँ बहन तुम्हें याद आ जाती है, मंदिर के सामने तुम राजनीति करोगे तो जिंदा। साथियों, बस इतना समझिए कि क्राइस्ट चर्च में जो हो घटना घटी, एक क्रिश्चियन 50 को यमलोक पहुंचा दिया, क्योंकि अति हो गया था। अब सरकार को विचार करना पड़ रहा है, वहां की न्यूजीलैंड सरकार को, कि एक न्यूजीलैंड का नागरिक इस प्रकार का कांड कर सकता है, कल कोई हिंदुस्तानी ये कांड न कर दे, इससे बेहतर सरकार को सचेत रहना होगा, लाउड स्पीकरों के ऊपर भी कुछ अनुशासन रखना होगा। बहुत सारी चीजें हैं, बकरी ईद के दिन जो रक्त से नदियां बहाते हैं, इस मीडिया के अंधे लोगों को वो नजर नहीं आता, लेकिन हमारा कल आएगा, हमारा पर्व आएगा अब होली। इस होली पर्व पर अगर कोई मीडिया कर्मी, मैं आप सभी को एक बात कहना चाहूंगा, गुजरात की गारंटी तो हम लेते हैं, यहां पर तो कोई मीडिया चैनलों का ऑफिस नहीं है, जो है वो दिल्ली में है, तो जितने भी दिल्ली में धर्म धुरंधर है ना, उन सभी को बात कहना चाहूंगा, चाहे कोई भी चैनल हो, अगर आपके चैनल, आप उस चैनल पर हमारे पर्व का मजाक उड़ाते हुए देखते हो, और आप फेसबुक पर आकर के वहां पर अनाप शनाप बोल रहे हो, तो आप लच्चड़ हो, हिंदू नहीं हो, योद्धा नहीं हो। जाओ और उस न्यूज चैनल को उसकी औकात दिखाओ, सीधे घुसो अंदर। इन्हें बकरा ईद के दिन कटे हुए बकरों के खून को धोने के लिए हजारों गैलन पानी लगता है, वो नजर नहीं आएगा, लेकिन हमारे पर्वों पर इन लोगों को दाग अच्छे है, दाग नजर आएंगे। अरे हमारी संस्कृति है ये, और तुम्हें दाग नजर आते हैं? कुछ लोग ज्ञान देते हैं मुझे, गुरुजी आप अहिंसा की बात सिखाओ, तो ध्यान रखना धार्मिक ढोंगियों पाखंडियों, सूर्य सागर से धर्म की अपेक्षा मत रखो, क्योंकि मैं खुद एक जीता जागता धर्म हूं। अगर तुम धर्म की परिभाषा का ज्ञान मुझसे पाना चाहते हो, तो अपने पहले अपने संस्कृति को समझो। तुम धर्म का ज्ञान देने वाले कई पंडित हैं तुम्हारे, कई आते हैं आस्था चैनल, श्रद्धा चैनल, फलाना ढिकना टीम का, सब चैनलों पर आते हैं, पैसे लगाते हैं आप समाज का, और लोगों को दिखाते हो। मैं तुम्हारे बारे में बात नहीं करना चाहूंगा, बस इतना याद रखो, धर्म का ढोंग। सोहन सिरवी जी, 72 हुरों का क्या माजरा है? यही तो सबसे बड़ी लच्चड़ बात है, इन्हें लालच, एक हड्डी का टुकड़ा जैसे डाला जाता है ना कुत्ते को, उसी प्रकार 72 हुरों का एक हड्डी का टुकड़ा है, समझ से परे है। मैंने तो एक नया संशोधन किया है, हिंदू भाइयों समझो, क्या आप धर्म के लिए मरना चाहोगे? क्या प्राण देना चाहोगे धर्म के लिए? 144 अफसर आए, मैं आपको मेरी ओर से गिफ्ट दूंगा मरने के बाद, मैंने तो नहीं देखी है। ये मत बोलना कि गुरुजी आपने देखी कि 144 अफसर आए, मैंने नहीं देखी। अगर 72 हुरे उन्होंने नहीं देखी, तो मैं कैसे 144 अफसर आए ढूंढ सकता हूं? अगर 72 हुरों का ये सपना आपको उन आतंकवादियों को देख करके मरने के लिए उद्युक्त कर सकते हैं, तो मैं 144 अफसराओं का लालच, लालच तो नहीं कहा जाएगा, लालच ही है,
समझो, दे करके आपको क्यों नहीं बरगला सकता। याद रखिए, यह कोई अप्सरा वापसरा नहीं होती है, ऊपर आपके कर्म के आधार से ही आपको स्वर्ग और नरक मिलता है। ये जो मार करके निर्दोषों को जहन्नुम की जन्नत की बातें करते, ये सारे के सारे जहन्नुमी कीड़े मरे होंगे वहां पर। अप्सरा तो मिली होगी, लेकिन जिस सामान की तलाश, आप समझ लीजिए, मैंने एक पोस्ट की थी, बम में उड़ गया वो, अब कुछ बचा ही नहीं। बोतल तो है शराब की, लेकिन नीचे छेद है, पीना चाहेगा तो नीचे से उतर रही है। इस प्रकार के दुखों का सामना करना पड़ेगा। ध्यान रखिए, हिंदुस्तानी है हम, हिंदुस्तानी होने का गर्व महसूस करो। मुझे ज्ञान का पाठ मत सिखाओ, जो ज्ञान का पाठ मुझे हिंदू होकर के सिखाता है, समझना कि उनकी माताओं ने उनके बाप के साथ वफादारी नहीं निभाई, उनकी परिवार बिका हुआ परिवार है। क्योंकि मेरे बातों में केवल और केवल हिंदुस्तान के प्रति जो प्रेम है, हिंदू सभ्यता के प्रति प्रेम है, और इन आक्रांताओं के प्रति जो मेरे दिमाग में दिल में नफरत है, द्वेष है, जो होना चाहिए, जो लाजमी है, जो अधिकार है मेरा, वही मेरे लिए महत्वपूर्ण है और आपके लिए भी वही महत्वपूर्ण होना चाहिए। जाते जाते बस इतना ही कहूँ, मेरी माता बहनों, सूर्य सागर आपका गुरु है, आपका धर्म पिता है, आपका भाई, आपका बंधु है, आपका मित्र है, आपका सखा है। मेरी बातों का बुरा कभी मत लगने देना। मुझे अभिमान है कि मेरी माता बहनें, मेरे को चाहने वाली मेरी शिष्याएं, पुरुष अगर फेक अकाउंट बना करके लेडीज के नाम से आता है और मेरा समर्थन करता है तो उतना महत्वपूर्ण नहीं, लेकिन कुछ मेरी बहनें जिनका रियल अकाउंट है वो मेरे लिए लड़ती है, गाली तक देती है, ऐसे ऐसे माताओं को, उनके पवित्र आत्मा को नमन है मेरा। वो अपनी चिंता नहीं करती, गुरुजी की चिंता करती। जब मेरी बहनें मेरे लिए लड़ सकती है, मेरी माताएं मेरे लिए लड़ सकती हो, लड़ सकती है, अपने अस्मत की चिंता न कर, तो याद रखिए मेरे भाइयों, तुम्हारा कर्तव्य है यह। और अगर आप चाहते हो कि गुरुजी आप तक, मुझे कोई गलत बोल देता है तो मैं आप तक मैसेज पहुंचाऊं, तो आपको अगर यह इच्छा है तो आपके ऐसे ग्रुप में मुझे ऐड कर दीजिए जहां पर मैं लिंक भेज दूं और आप मेरी सुरक्षा करो। क्योंकि मेरे पास उतना समय होता नहीं है, कई काम में करता, आपके पास भी समय नहीं होता है, लेकिन देश की रक्षा करनी है, अस्मिता की रक्षा करनी है, तो आपको समय देना होगा। जय श्री राम, वंदे मातरम, भारत माता की जय। आगे बढ़ो, हिंदुस्तान हमारा है और हम दुश्मनों को आप प्यार की आंखों से जवाब नहीं देंगे, उनको उसी भाषा में जवाब देंगे जिस भाषा में वो सुनते हैं। आशीर्वाद सभी साथियों। एक मिनट, जाते जाते और एक बात बोलूं, विजय हिंदू हमारे भाई है, बेटे है मेरे, रात को 3 बजे आतंकवादी मरवाते हो तो बीजेपी को वोट। हाँ, एक सेकंड, जाते जाते और मेरे इस भाई की कमेंट को देखिए आप, उसने लिखा है रात के 3 बजे आतंकवादी मरवाने हो तो बीजेपी को वोट दो, और रात को 3 बजे सुप्रीम कोर्ट खुलवाकर आतंकवादी बचवाने हो तो कांग्रेस को वोट दो। समझदार हो, समझदार को इशारा काफी होता है, अकल है तो आप इस कमेंट पर ध्यान दीजिए, इस कमेंट को अपने हृदय में उतारिए और इसके ऊपर रिसर्च करें, सर्च करें कि क्या आने वाले भविष्य को आपको इन दोनों, इस कमेंट के अंदर दो सवाल खड़े हैं, उन दो सवाल में से किस सवाल का जवाब आपको अपने वोट के द्वारा देना है, समझना आपको होगा। धन्यवाद मेरे बेटे विजय, बहुत सभी को आशीर्वाद, हृदय से आशीर्वाद। जय माँ भारती, वंदे मातरम। हो गया, अबे जाना।